हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, मोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से और ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ, अब आप ग्राफ के साथ इंट्रोड्यूस हो गए होगे, आप मैथ्स में जो है वो ग्राफ से यूज़ करते भी होगे। ग्राफ जो है एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें डाटे को अच्छे से अरेंज करके बताता है। ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी डाटे को ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारी मोशन की। मोशन की जो अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। जो ग्राफ है वो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शोज द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर। जैसे कि एक वनडे क्रिकेट मैच के अंदर जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है वो हमें किसी भी टीम का जो है वो रन रेट दिखाता है हर ओवर में। हर ओवर में उसका जो रन रेट होता है वो क्या रहता है वो हमें ग्राफ की हेल्प से पता चलता है। As you have studied in mathematics, a straight line graph help in solving the linear equation having two variables. और जैसा कि हमने मैथ में जाना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर दो वेरिएबल्स हैं, हम उन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो ग्राफिक, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हेल्प से जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आपने जैसे किया भी होगा, मैथ्स में हम करते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। एक सेकंड इक्वेशन होती थी हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशंस में हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके x y की वैल्यूज निकालते थे, फिर उसका जो है हम ग्राफ बनाते थे। सेम मेथड हमें यहाँ भी फॉलो करना है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द लाइन ग्राफ्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करने के लिए हम जो है वो लाइन ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो है वो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर किसी टीम का रन रेट है तो वो ओवर्स में रन के ऊपर डिपेंड करेगा, ओवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे जब भी हम ग्राफ बनाते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो एक चीज़ की डिपेंडेंसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो है वो शो होती है। लाइन ग्राफ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं या फिर वेलोसिटी ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड है वो हम जो है वो हमारे लाइन ग्राफ से पता कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड है ये भी जो है हम लाइन ग्राफ से जो है वो पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफ हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब, इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी होंगी, दो फिजिकल क्वांटिटी है। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी डिस्टेंस है और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टाइम है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक हमारी एक्स एक्सिस और एक हमारी वाई एक्सिस। इधर हमारी एक्स एक्सिस होती है और इधर हमारी वाई एक्सिस होती है। तो हर एक्सिस पे एक एक वेरिएबल जो है फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, तो उस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया भी गया है हमें। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ द चॉइस। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसको हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर आसानी से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्केल है वो अपनी मर्जी से हम कैसे भी चूज कर सकते हैं, जो भी हमें कन्वीनियंट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम कन्वीनियंट स्केल को यूज़ कर सकते हैं। अब स्केल का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 लिया गया, ये एक स्केल है। ये अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे भी ले सकते थे। हम 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी ले सकते थे। हम 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे भी ले सकते थे। तो स्केल है यहाँ पे, जो ये गैप है दो के बीच में, जैसे कि 0 और 10 के बीच में 10 का गैप है, फिर 10 के बाद 20 में 10 का गैप है। तो गैप जो है वो हमेशा सेम रखना होता है। जो भी हमने एक बार डिसाइड कर लिया गैप
गैप रखना, बार बार हमें वही रखना होगा। जैसे कि अगर हमने जीरो से शुरू किया, पाँच लेना था, उसके बाद हमने पाँच लिया, जीरो पाँच, फिर उसके बाद दस लेंगे, उसके बाद पंद्रह लेंगे, उसके बाद बीस लेंगे, मतलब कि हर हर दो का दो कॉन्स्टेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पाँच पाँच का ही रहेगा। तो ये होता है हमारा कन्वीनियंट स्केल कि हम अपनी मर्जी से कोई भी स्केल जो है वो ले सकते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को दिखाना हो कि वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, इन दिस ग्राफ द टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। इस ग्राफ में हम जो टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, यहाँ पे टाइम को लिया गया है एक्स एक्सिस के अलोंग, आप देख पा रहे हो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को लिया है, एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और डिस्टेंस को हम जो है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। टाइम को हम मिनट्स में ले सकते हैं, सेकेंड्स में ले सकते हैं, जैसे भी हमें गिवन होगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और डिस्टेंस को भी हम किलोमीटर में ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। Distance time graph can be employed under various condition where object move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest. जो distance time graph है वो हम अलग अलग situation में बना सकते हैं, भले ही हमारा object जो है वो uniform motion कर रहा हो, भले वो non-uniform motion कर रहा हो, या फिर वो rest में हो, इन सभी cases में जो है वो हम distance time graph बना सकते हैं। अगर हमारा object uniform motion में होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा तो हमारा जो ग्राफ जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द हमारे टाइम एक्सिस के लोंग वो पैरेलल बन जाएगी, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी फिर वो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। We know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with the uniform speed. हमें पता है कि जब object equal distance को equal time interval में follow cover करता है, equal distance जो है अगर वो equal time में cover करे तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो object है वो uniform speed में है। This shows that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. इससे ये पता चलता है कि जो distance है वो time के ऊपर सीधी तरह से depend करता है, directly का मतलब होता है सीधा, distance बढ़ेगा तो time भी बढ़ेगा, time कम हो जाएगा distance भी कम हो जाएगा। Thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line. इसीलिए जो हमारा graph बनता है uniform motion के speed, uniform motion के case में, uniform speed के case में हमेशा straight line बनता है, जैसे कि इस diagram में दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो रही, डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में इक्वल ही जो है वो कवर किया जा रहा है। अगर पहले 20 सेकंड में उसने 10 किया था तो अगले 20 सेकंड में फिर से उसने 10 किया, अगले में फिर से उसने 10 किया, तो जिसके कारण उसका ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। जो पोर्शन ओ बी है, ओ से बी तक का जो पोर्शन है, ओ पॉइंट कहाँ पे, ओ पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट हमारा ये रहा, इनके बीच का जो ये रास्ता है, जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो हमें ये बताती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of the displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. अगर हम distance की जगह पे displacement रख लेंगे तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो uniform velocity भी बोल सकते हैं, uniform speed की जगह पे फिर हम uniform velocity बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि speed के case में हम distance लेते हैं और velocity के case में हम displacement लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे, इस डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो केस बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बन जाएगा फिर ये। We can use distance time graph to determine the speed of an object. हम distance time graph को use करके किसी भी object की speed को आसानी से बता कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी object का distance time graph जो है वो given हो तो हम distance time graph की help से उसकी जो है वो speed find out कर सकते हैं। ऐसा कैसे करेंगे? Suppose हमारे पास जो है
To do so, consider a small part AB of the distance time graph shows in the figure 8.3. Draw a line parallel to the x-axis from point A and another line parallel to y-axis from point B. These two lines meet each other at the point C from to form a triangle ABC. हमें क्या करना है, हमें lines draw करनी है इसके ऊपर. एक point A से हमें parallel to the x-axis जो है पैरलर टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और पॉइंट बी से जो है हमें पैरलर टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ये लाइंस जहाँ पे आपस में मीट करेंगी, जहाँ पे ये लाइन आपस में यहाँ पे ऐसे मीट कर रही है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी. ये ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म्ड हुआ ए बी सी. Now on the graph AC denote the time interval t minus 2. जो हमारा AC है, ये वाली लाइन है, ये जो AC है ये हमें टाइम इंटरवल बता रहा है, मतलब कि हम कितने टाइम इंटरवल में स्पीड को चेक कर रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक की स्पीड को चेक कर रहे हैं, हम A से लेके C पॉइंट के बीच के टाइम के बीच में उसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ, उसकी स्पीड क्या थी, ये पता करना चाहते हैं. मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का जो टाइम था उस टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी, हम ये पता करना चाहते हैं. अगर A पॉइंट पे टाइम T1 है और B पॉइंट पे टाइम T2 है तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल. अब फाइनल यहाँ पे कितना है T2 माइनस इनिशियल कितना है T1, तो हमारा टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा T2 माइनस T1. क्योंकि हमें जो है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है वो A से लेके C, ये दो पॉइंट है, इनके बीच इस टाइम इंटरवल के बीच में स्पीड पता करनी थी. अगर पॉइंट A पे टाइम सपोज T1 था और पॉइंट B पे टाइम सपोज T2 था, हम ये मान रहे हैं, आप T1 T2 ना मानो, दो मिनट के लिए मान लो कि जब मैंने घड़ी देखनी शुरू की तो उस टाइम पे टाइम हुआ था 12:05. सपोज करते हैं कितना टाइम हुआ था जब मैंने घड़ी देखनी शुरू की ए पॉइंट पे. जब मैं बी पॉइंट पे आ गया तब मेरी घड़ी में बज रहे थे 12:10. अब टाइम इंटरवल क्या है, 12:10 में से 12:05 माइनस करूंगा, मतलब कि 5 मिनट का टाइम इंटरवल है, 5 मिनट बाद ए बी पॉइंट पे पहुंचे. वही चीज़ हम यहाँ पे मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 12 बजे या 10 बजे कितने बजे, इसलिए हम ए पॉइंट पे जो टाइम है वो T1 ले रहे हैं और बी पॉइंट पे जो टाइम है वो T2 ले रहे हैं. तो टाइम इंटरवल क्या होगा, मतलब कि किस टाइम के लिए हम स्पीड निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं T2 माइनस T1, T2 से लेके T1 के बीच में जो भी टाइम गैप था, जो भी टाइम डिफरेंस था, उस टाइम इंटरवल के बीच हम जो है वो स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो एसी लाइन से तो हमें क्या पता लग गया, एसी लाइन से हमें उसका टाइम इंटरवल पता लग गया, मतलब कि हमारे पास टाइम आ गया. अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. टाइम तो हमारे पास आ गया, टाइम इंटरवल आ गया T2 माइनस T1. अब हमें ये भी पता करना है कि डिस्टेंस कितना जो है वो उसने कवर किया है. तो अगर आप देखो इस ग्राफ को ध्यान से, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाई एक्सिस पे हमें क्या शो करेगा, ये वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस शो करेगा. जैसे कि यहाँ ए पॉइंट पे सपोज 20 किलोमीटर है और बी पॉइंट पे 20 सपोज 40 किलोमीटर है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 से वो 40 पे चला गया, 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पे चला गया, मतलब कि उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि उसने 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोमीटर. 40 कब था, 40 जब बी पॉइंट पे था तब 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जब ए पॉइंट पे था तब उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, मतलब कि ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी में जाने के लिए उसने 40 माइनस 20 का जो डिस्टेंस है वो कवर किया. अब अगर हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो उसका डिस्टेंस था वो S1 था हम मान लेते हैं, और जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस S2 था. अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो डिस्टेंस बी पॉइंट पे है, मतलब कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस. यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस है S2 माइनस इनिशियल डिस्टेंस हमारा है S1. तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को हम
एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था, फाइनल था हमारे पास एस टू और इनिशियल था हमारे पास एस वन। फाइनल कौन सा, जो वो बी पॉइंट पे पहुंच गया वो उसका फाइनल डिस्टेंस माना जाएगा, और इनिशियल कौन सा का, जब उसने चलना शुरू किया, जब उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया। अब वैसे तो उसने जीरो से चलना शुरू किया, लेकिन हम सिर्फ ए और बी के बीच में पता करना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि जीरो से लेके बी तक कितना है, हमारा इंटरेस्ट बस ये है कि वो ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसलिए हम ए और बी के बीच के डिस्टेंस को ही लेंगे। तो हमारे पास अब डिस्टेंस भी आ गया और हमारे पास टाइम भी आ गया, तो अब हम स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हमने जो है वो डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कितना निकाला, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय टाइम हमने कितना निकाला, टाइम हमने निकाला t2 माइनस t1। तो ये हमारी होगी स्पीड, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय द t2 माइनस t1। यही यहाँ पे स्पीड लिख का एक्सप्रेशन हमें गिवन भी है, यहाँ पे आप देखिए स्पीड इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो हम किसी भी ग्राफ की हेल्प से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। We can also plot the distance time graph for the accelerated motion. Table 8.2 show the distance traveled by a car in a time interval for 2 second. हमारे पास यहाँ पे 2 second के, 2-2 second के interval पे जो जो distance उसने travel किया उसके बारे में जो है वो हमें data given है table में। हमें यहाँ पे बोला गया कि accelerated motion, accelerated motion का मतलब क्या है, accelerated का मतलब है कि हमने accelerator दबाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी speed लगातार increase हो रही है। अब ये uniform motion नहीं है, उन्होंने हमें directly नहीं बोला कि जो motion है वो uniform है, यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड का मतलब हमने एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, हम उसकी स्पीड को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, अब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि पहले 2 सेकंड में उसने जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अगले 2 मीटर में उसने 4 का किया, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, फिर 36 का, लगातार जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो कर्व बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये ग्राफ है हमारा एक्सीलरेटेड मोशन का, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम, जैसे जैसे हमारा स्पीड टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना डिस्टेंस हम ज़्यादा कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब स्पीड हमारी कम थी तो हम छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती चली गई हम ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पा रहे हैं सेम टाइम के अंदर। पहले 2 सेकंड में हमने सिर्फ 1 का ही कवर किया था, लेकिन लास्ट के 2 सेकंड में हम देखो कि 25 से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, वो हमेशा एक कर्व लाइन बनता है, क्योंकि इसमें स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज करती रहती है। जितनी स्पीड बढ़ेगी वैसे ही हमारा, हम कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, जिसके कारण हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो आपके पास एक इंडिकेशन भी है कि आप ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हो कि हमारा स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि हमारी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व बना रहा है, तो मतलब कि हमारी जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार shown in the figure 8.4. Note that the shape of this graph is different from the either earlier distance time graph for the uniform motion. The nature of this graph shows the non-uniform linear variation of the distance traveled by the car with the time. Thus the graph shows इन द 8.4 रिप्रेजेंट द मोशन विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 8.4 का जो ग्राफ है वो हमारे पिछले ग्राफ से डिफरेंस है। पिछला ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ये ग्राफ हमारा कर्व है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।